हेलो एवरीवन, तो मैं आपके लिए एक बार फिर लेके आया हूँ आपका जो चैप्टर 4 था उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो अगर उसको आप समझ लेंगे तो इसको भी बहुत आसानी समझ लेंगे। फिर से हम कुछ जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। ये आपको कुछ कर्व्स दिए गए हैं, कुछ मुड़े हुए कर्व यानी होता कुछ मुड़े हुए फिगर जिन्हें कहेंगे आप, तो दिए गए हैं उन्हें आपको क्लासीफाई करना है कि वो ओपन है या क्लोज है। बहुत सिंपल है, ये देख रहे हैं ये क्लोज है, ये वाला सॉरी ये देख रहे हैं आप ओपन है पूरा, ये देख रहे हैं इसकी सारी लाइंस ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये यहाँ से खुला हुआ है तो ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ठीक है। तो आप जो ओपन है उनके लिए लिख देंगे, ओपन कौन कौन से हैं, ए और सी, और क्लोज कौन कौन से हैं, क्लोज्ड क्लोज्ड है बी डी और ई, क्लियर है। ये खुला हुआ है ओपन, ये भी खुला हुआ है ओपन, ये तीनों के तीनों बंद हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोज फिगर। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको एक ऐसा ही रफली कोई डायग्राम बना लेना है किसका, एक ओपन कर्व का। तो कोई भी आप ओपन कर्व ले लें, यहीं दिए हैं दो ऑप्शन, तो आप इस तरह से कुछ भी एक बना सकते हैं जो खुला है, ठीक है। तो ये एक ओपन कर्व का हो गया, और आपको एक क्लोज कर्व का लेना है। तो क्लोज कर्व के लिए आप कुछ भी एक फिगर बना दें जो बंद हो, क्लियर है। अब ये वाला भी क्लियर। फोर्थ वन क्या है, लिखा है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का कुछ, सॉरी आपको इस तरह से कोई एक फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, कह रहे हैं कि उस फिगर को आप देखें और इन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो कह रहे हैं इज इट अ कर्व, कर्व है बिल्कुल है, कहीं मुड़ा हुआ है तो कर्व है। फिर लिखा है इज इट क्लोज, क्लोज है क्योंकि वो क्लोज्ड है। तो दोनों के दोनों जो आंसर होंगे यस होंगे हमारे, यस इट इज़ अ कर्व और यस इट इज़ क्लोज्ड, क्लियर है। तो इस तरह से जो आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई, बहुत ईजी सी थी। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना था और आंसर्स देने थे। अभी हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।